सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल आर्यन व्लॉग। सो कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली, होप आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज आई एम बैक विद अ न्यू बॉम्ब वीडियो, कैसे हो आप सभी लोग। फिर तो गाइज आज का मैं व्लॉग शूट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमने लिया है एक्सयूवी 700 महिंद्रा की और उसे लेके हम लोग जा रहे हैं घूमने, तो काफी मजा आएगा। तो कल ही लिए हैं तो आपको भी वीडियो दिख जाएगी, तो कमेंट करके जरूर बताना कि हमारी एक्सयूवी कैसी दिख रही है आपको। तो अभी रेडी होता हूँ मैं, उसके बाद फिर चलेंगे हम लोग कार को लेके घूमने। तो चलो रेडी हो लेता हूँ और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कार कैसे लगा। और हाँ, मैं बहुत दिनों से यूट्यूब पर अनएक्टिव था, बहुत दिनों से मैंने व्लॉग डाला ही नहीं था, तो आज मौका मिला है तो बनाते हैं व्लॉग। सो आप लोग प्यार जरूर दिखाना और सपोर्ट जरूर करो गाइस, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है मुझे। तो चलो रेडी होते हैं और सीधा चलते हैं अपने कार एक्सयूवी के पास। सो रेडी हो चुके हैं गाइस, तो अभी निकलते हैं अपन यहाँ से रामानुजगंज के लिए, ज्यादा दूर नहीं है। और मैं आपको अभी कार का व्यू और रिव्यू दोनों दूंगा, तो कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कार कैसा लगता है, तो बताना मुझे भी बताना कि मैं भी कैसा लग रहा हूँ। सो अभी चलते हैं हम लोग और सपोर्ट दिखाओ, सपोर्ट की आपकी बहुत जरूरत है मुझे, तो चलते हैं। सो चलो गाइस, अभी आप लोग आ चुके हैं अपना वन वाटिका, आप लोग देख सकते हो। और इस बार उतना मतलब इधर ये जो आपके एरिया दिख रहा है इधर पूरा फूल होता था, लेकिन अभी इसमें फूल नहीं है। वाला पूरा जो एरिया है ना, इसमें पहले फूल हुआ करता था, अभी फूल नहीं है। और यहाँ बोटिंग भी होती थी पर यहाँ वोट ही नहीं है, पता नहीं वोट कहाँ गया, लेकिन यहाँ वोटिंग होती थी। मैं अगली बार जब आया था तो मैं इसमें वोटिंग किया था। और वो रहे अपनी दीदी लोग, वो लोग फ़ोटो शूट करवा रहे हैं और वो आ रहे हैं मामा, और उनका अभी मतलब सिनेमैटिक शॉट्स लेना है गाड़ी का और मामा का भी। तो अभी गाइस अभी हम लोग मैं अभी कार का सिनेमैटिक ले रहा था और ये दोनों बीच में आके ये दोनों फ़ोटो शूट करवा रहे हैं सनरूफ से बाहर निकल कर। और अभी मैं सिनेमैटिक शॉट्स वैसे ले लिया हूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे मामा जी लिए हैं तो आप लोग देख सकते हो, तो अच्छा जगह, शांति एरिया है। सो दे अरे व्लॉग बनाने दे मेरे को, तो देख सकते हो अच्छा मतलब शांति एरिया है, ज़्यादा कुछ भीड़ मतलब उस टाइप की नहीं है। सो वोटिंग तो हो ही नहीं रहा, नहीं तो हम अपन वोटिंग करते हैं। सो आके आप लोग देखते जाओ। और ये लोग कंझट कर दिए हैं कि फोटो लो, तो मैं इन लोग का फोटो ले लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो गाइस अभी आए हैं हम लोग होटल पे मतलब रेस्टोरेंट पे, और अभी देख रही इसका एंट्रेंस कहाँ पे से है। सो देखते हैं, ये देख सकते हो कुछ इस टाइप का है। यहाँ तो बहुत अंधेरा है, ये देख सकते हो बहुत ही अंधेरा है गाइस यहाँ पे। तो सबसे बदमाश लड़की यही है, ये शक्ल इसका देख सकते हो। तो गाइस आ चुके हैं हम लोग होटल दरबार में और यहाँ से कितना सुंदर व्यू आ रहा है देख सकते हो, पूरा व्यू मतलब पूरा रामानुजगंज दिख रहा है। और वो देख सकते हो वहाँ सनसेट हो रहा है और मामा जी बैठे हैं मॉल में और ये दोनों फोटो शूट कर रहे हैं। और अभी ऑर्डर करते हैं और ये रहा यहाँ का मेन्यू, होटल देख सकते हो भोला दरबार, और बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ से व्यू। और नीचे देखने में बहुत डर लग रहा है, बहुत ऊपर है हम लोग, तो देखो अभी हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए। सो चलो ऑर्डर करते हैं। तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ और ये देख सकते हो आई लव रामानुजगंज। तो
अगर आप रामानुजगंज से हो एक बार ज़रूर विजिट करो, होटल बोहला दरबार एक बार ज़रूर विजिट करो, बहुत अच्छा प्लेस है। और अगर अभी गर्मी रहती तो ज़रूर स्विमिंग पूल पे अपन उतरते, लेकिन अभी ठंडी चल रही है तो अभी उतरेंगे नहीं, मतलब अभी नहीं इसमें जा सकते हैं। और पानी बहुत ही गंदा है, बहुत गंदा है पानी अभी। और व्यू एक बार आप देखो, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ से। एक बार आप ज़रूर आओ, ज़रूर एक बार आप आओ और यहाँ आओ और यहाँ का खाना टेस्ट करो। और ऐसा बहुत सुंदर जगह है पूरा यहाँ से रामानुजगंज, आप देख सकते हो ए टू जेड जगह यहाँ से आपको दिख जाएगा रामानुजगंज का। और सनसेट अभी हो गया, मैं सनसेट का टाइम लैप्स नहीं ले पाया। सो अभी आ रहा है, ऑर्डर दे दिए हैं और अभी आ रहा है, तो अभी आएगा, खाएंगे फिर घर जाएंगे। सो गाइस आ चुका है हमारा चाइनीज़ आइटम और ये जब तो मम्मी लोग खा रहे हैं और अभी हम लोग खा रहे हैं, फिर खा के हम लोग सीधा निकलेंगे। तो गाइस खाना वगैरह खा लिए हैं और ठंडी लग रही है, अब चलते हैं सीधा यहाँ से घर। और ये देख सकते हो कितना क्यूट लग रहा है, तो अभी निकलते हैं। और अगर रामानुजगंज से हो तो एक बार ज़रूर विजिट करो होटल दरबार, तो मतलब बोहला दरबार। तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से घर। सो चलो गाइस, अभी आ चुके खा पी के बाहर और वो देख सकते हो मामा निकाल रहे हैं कार को बाहर और यहाँ दादी मम्मी सब खड़े हैं। तो अभी निकलते हैं घर और सीधा आपको मैं घर जाता हूँ और मिलता हूँ। और ज़रूर एक बार विजिट करो होटल दरबार, बोहला दरबार। सो चलो निकलते हैं अपन लोग घर।